दोस्तों, अभी वैसे देखा जाए तो भारत और कनाडा के बीच रिश्ते कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। लेकिन अभी कनाडा से ही एक ऐसी खबर आ रही है जो भारत के हित की है। कनाडा में गैंगस्टर अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला को गिरफ्तार किए जाने की खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई है। अर्श डल्ला पर भारत में कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना शामिल है। भारत ने उसे मोस्ट वांटेड भी घोषित कर रखा है। हालांकि कनाडाई पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, तो फिर यह कैसे कंफर्म हुआ कि कनाडाई पुलिस ने अर्श डाला को ही गिरफ्तार किया है? आखिर कौन है अर्श डाला और वह भारत के लिए मोस्ट वांटेड क्यों बना हुआ है? आखिर पंजाब में जन्मा एक शख्स खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थक कैसे बन गया और क्या है इस अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला की पूरी कहानी? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अर्श डाला का पूरा नाम अर्शदीप सिंह गिल है और उसका जन्म साल 1996 में पंजाब के मोगा जिले के डाला गांव में हुआ था, जिसकी वजह से उसे अर्श डाला कहकर भी बुलाया जाने लगा। अर्श डाला के पिताजी चरणजीत सिंह ठेके पर जमीन लेकर खेती करते थे और अर्श डाला वहीं पर गांव में रहकर पढ़ाई करता था। वह 10वीं तक की पढ़ाई मोगा के एक प्राइवेट स्कूल से किया और फिर 11वीं और 12वीं की पढ़ाई डाला गांव के ही एक सरकारी स्कूल से। बेसिक एजुकेशन खत्म करते ही उसकी संगति खराब होने लगी और वह अक्सर अपने ही गाँव में गैंग बनाकर मारपीट में इन्वॉल्व रहने लगा। फिर इसी सिलसिले में एक झगड़ा थोड़ा सीरियस हो गया और उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। यह बात अर्श डाला के परिवार वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसे पढ़ाई करने के लिए स्टडी वीजा पर कनाडा भेज दिया। यहां से अब अर्श डाला कनाडा तो चला जाता है, लेकिन वहां पर पढ़ाई से उसका कोई खास रिश्ता रहता नहीं है। उधर अर्श डल्ला अब पढ़ाई करने के लिए कनाडा जा चुका था, लेकिन गांव में अपने पीछे जो झगड़े का इतिहास वह छोड़ गया था वो तो उसका पीछा करेगा। और हुआ भी वही, जब सुखा लामा नाम के एक गैंगस्टर से उसकी पुरानी दुश्मनी तेज हो गई और वह उसके गैंग के दूसरे लड़कों को परेशान करने लगा। इसके बाद अर्श डल्ला एक बार फिर से पंजाब लौटा और यहाँ पर आते ही वह सबसे पहले सुखा लामा को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद तो अर्श डल्ला की दहशत गांव के बाहर भी फैलने लगी और फिर धीरे धीरे वह अपना एक गैंग बनाकर पंजाब के कई शहरों में ऑपरेट करने लगा। इस दौरान उसके ऊपर हत्या, रंगदारी, फिरौती और हत्या की कोशिश के कई अपराध दर्ज हुए। जब अपराध दर्ज हुए तो पुलिस भी पीछे लगी, लेकिन इस दौरान वह अधिकतर समय राजस्थान में छुपता और फिर वहीं के एक लड़की से वह पेपर मैरिज भी कर लिया। लेकिन जब देखा कि पुलिस की दबिश कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है, तब साल 2018 में वह एक बार फिर से कनाडा भाग गया। इस बार कनाडा में वह हरदीप सिंह निज्जर के संपर्क में आया, जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी कि KTF का चीफ हुआ करता था और भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था। अर्श डल्ला जब इसके संपर्क में आया तो वह हर उस इल्लीगल कामों में शामिल हो गया जिसकी इजाजत किसी भी देश का कानून नहीं देता है। वह खालिस्तानी टाइगर फोर्स के साथ जुड़ते ही आतंकी गतिविधियों, हत्या और जबरन वसूली के अलावा बड़े पैमाने पर ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग भी करने लगा। अब दोस्तों, जहां पर भी बात भारत विरोधी होती है वहां पर पाकिस्तान की एंट्री अपने आप ही हो जाती है। इसी सिलसिले में अर्श डल्ला का नेटवर्क पाकिस्तान में भी बना और वह ISI के साथ भी काम करने लगा। अर्श डल्ला अब खालिस्तानी एजेंडे को इतना मजबूत बना चुका था कि वह अपने गैंग में करीब 300 से भी ज्यादा गैंगस्टर भर्ती कर लिया और इन सब के माध्यम से वह भारत में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाता, साथ ही इलीगल हथियारों का भी वह स्मगलिंग करता था। देखते ही देखते अर्श डल्ला के तार कई आतंकी संगठनों से जुड़ते चले गए।
कनाडा में इतना सब कुछ हो रहा था और अर्श डल्ला की जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन उससे गलती ये हो गई कि वह कनाडा में रह रहे उन बिजनेसमैन के ऊपर हाथ डाल दिया जिसके ऊपर गोल्डी बरार का हाथ हुआ करता था। गोल्डी बरार मतलब लॉरेंस बिश्नोई, और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अर्श डाला के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। ये दुश्मनी कनाडा से लेकर पंजाब तक चली और फिर बिश्नोई के गैंग ने 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को वहीं कनाडा में ही गोली मार दिया। हरदीप सिंह निज्जर अर्श डाला का बॉस हुआ करता था। अब निज्जर के जाने के बाद अर्श डाला बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया और तभी से वह छुपता फिर रहा है। निज्जर की मौत के बाद अर्श डल्ला खालिस्तानी टाइगर फोर्स को संभाल लिया और इस तरह वह भी भारत के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के निशाने पर आ गया और भारत सरकार ने भी उसे आतंकी घोषित कर दिया। अभी हाल में क्या हुआ कि कनाडा के ही एक शहर हाल्टन में 28 अक्टूबर को गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद दो लोग गोली लगने की घटना के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। फिर यहां पर हाल्टन क्षेत्रीय पुलिस सेवा ने हत्या के इरादे से गोली चलाने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हाल्टन पुलिस ने उनकी पहचान उजागर नहीं की और कहा कि दोनों आरोपियों को जमानत की सुनवाई तक हिरासत में रखा जाएगा। हालांकि कुछ मीडिया हाउसेस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में एक अर्श डाला है और दूसरा गुरजंट सिंह उर्फ जंटा। मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया जा रहा है कि कोर्ट में होने वाली सुनवाई की लिस्ट में अर्श डल्ला और जंटा का नाम शामिल है। And CTV News has learned that on October 28th, he was charged in a violent shooting right here in Milton, Ontario. His arrest is already making headlines in India amid claims that Canada has been harboring an Indian terrorist. Media reports in that country claim that back in March, the Indian government shared Dalla's location with Canadian officials and request that he be arrested. Their request doesn't appear to have been fulfilled. अब सवाल ये है कि अर्श डल्ला को भारत कब लाया जाएगा। भारत और कनाडा के बीच जिस तरह के रिश्ते मौजूदा वक्त में चल रहे हैं, ऐसे में उसका प्रत्यारोपण हो पाना आसान नहीं होगा। हालांकि भारत सरकार इसकी लगातार कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह एक्सेप्ट किया था कि कनाडा की धरती पर खालिस्तान समर्थक मौजूद है। हालांकि उन्होंने कहा था कि ऐसे खालिस्तान समर्थक कनाडा के सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और कनाडा एक बात यह भी समझ ले कि अगर समय रहते वह खालिस्तानी कट्टरपंथियों पर लगाम नहीं लगाते हैं तो आने वाले दिनों में कनाडा की धरती ही खालिस्तान बन जाएगा, और अगर ऐसा होने से कोई कनाडा को बचा सकता है तो वह अमेरिका या बाकी कोई और देश नहीं बल्कि भारत ही है। लेकिन शर्त बस यही है कि जस्टिन ट्रूडो अपने पॉलिटिकल गेम के लिए भारत से संबंध खराब ना करे। बाकी आगे आने वाले समय में क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। तो यही थी दोस्तों कनाडा में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अर्श डल्ला की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।